हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके वे एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके वे एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल के बारे में, अपने संविधान के अनुच्छेद के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 108 और 400 के बीच के अनुच्छेद को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 108 क्या है, ठीक है। इस तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों यानी राज्यसभा लोकसभा में विवाद हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ठीक है। आर्टिकल 110 क्या है, आर्टिकल 110 धन विधेयक से संबंधित है। आर्टिकल 111 क्या है, लोकसभा प्लस राज्यसभा विधेयक पास गो टू प्रेसिडेंट कैन डेनी और एक्सेप्ट विधेयक, द विधेयक इज गो टू आर ओपिनियन इन लोकसभा एंड राज्यसभा देन गो टू प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट टू साइन विधेयक। तो इसका मतलब है कि आर्टिकल 111 है कि जब लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक पास हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, तो राष्ट्रपति उसे स्वीकार भी कर सकता है और मतलब उसे इनकार भी कर सकता है, ठीक है। तो और उसके फिर री ओपिनियन के लिए क्या कर सकता है, पुनः लोकसभा और राज्यसभा भेज सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसे साइन करना पड़ेगा। चलिए अगला है, आर्टिकल 112 क्या है। तो आर्टिकल 112 प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश। आर्टिकल 112 के तहत क्या होता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाता है, बट इसमें राष्ट्रपति बजट पेश नहीं करते हैं, वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 123 क्या है, तो इसके अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब देखिए आर्टिकल 124 क्या है, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का गठन का वर्णन है। आर्टिकल 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, आर्टिकल 148 में है। आर्टिकल 163 में क्या है, तो राज्यपाल के कार्यों के लिए एक कमेटी होगी, ठीक है। आर्टिकल 163 राज्यपाल के कार्यों के लिए एक कमेटी होगी, ठीक है। या आर्टिकल 200 फॉर स्टेट गवर्नर राज्यपाल के लिए, ठीक है, संबंधित है। और यहाँ से ऊपर से लाइन क्या है, हाँ, और आर्टिकल जो 200 है यहाँ पर देख लीजिए, आर्टिकल 111 हमने पढ़ा, ठीक है, यानी 111 आर्टिकल जैसे केंद्र सरकार से संबंधित है, उसी प्रकार आर्टिकल 200 राज्य सरकार से यानी राज्यपाल से संबंधित है, ठीक है। तो आगे देखिए आर्टिकल 213 क्या है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 214 सभी राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था होगी। आर्टिकल 226 मूल अधिकार के लिए हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, ठीक है। अगला है आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीशों के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल हाई कोर्ट के परामर्श से की जाएगी, ठीक है। अगला है 239 केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कंट्रोल प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट सिलेक्टेड गवर्नर फॉर प्रशासन, मतलब आर्टिकल 239 के तहत केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन का कंट्रोल या तो राष्ट्रपति करेंगे या राष्ट्रपति द्वारा चुने गए वहां के गवर्नर, जैसे कश्मीर के मनोज सिन्हा हैं या मनोज सिंह हैं कुछ करके, ठीक है, तो वैसे चलाया जाता है। आर्टिकल 243 पंचायत एवं नगर पालिका का गठन संरचना आरक्षण शक्ति प्राधिकर एवं उत्तरदायित्व का प्रावधान है। आर्टिकल 243 के तहत क्या है, पंचायत नगर पालिका गठन संरचना आरक्षण शक्तियाँ प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व का प्रावधान है। दोस्तों रात का कितना टाइम हो रहा है, 11:04 हो रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ और फैन को तो ऑफ किया हूँ क्योंकि फैन शोर कर रहा है, दूसरे घर में एक फैन चल रहा है और मैं दूसरे घर में बैठकर वीडियो शूट कर रहा हूँ।
उधर से थोड़ा मोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं आर्टिकल 245 क्या है। आर्टिकल 245, विधान पालिका अपने राज्य के लिए कानून बना सकती है। विधान पालिका अपने राज्य के लिए कानून बना सकती है, ठीक है। जो विधानसभा है अपने राज्य में कानून बना सकती है। दोस्तों आप सभी से आग्रह है कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आप सबसे विनती है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 262 क्या है। ये नदी विवादित जल वितरण का सॉल्यूशन संसद द्वारा निर्णय किया जाता है, ठीक है। कर्नाटक और तमिलनाडु में जो कावेरी नदी बहती है उसमें भी विवाद है, ये क्या संसद निर्णय करता है, ठीक है। कितना पानी आप यूज करोगे, कितना क्या करोगे, कितना बिजली मतलब डैम बनाओगे, ठीक है, केंद्र सरकार ये तय करता है। आर्टिकल 266 क्या है, भारत की संचित निधि से संबंधित है। आर्टिकल 280 क्या है, वित्त आयोग की स्थापना आर्टिकल 280 के तहत होता है। आर्टिकल 324 क्या है, तो आर्टिकल 324 चुनाव आयोग की शक्तियाँ हैं। चुनाव आयोग किसी को बैन लगा सकता है गलती करने पर, ठीक है। और आर्टिकल 324 क्या है, 18 वर्ष के उम्र के बाद वयस्क का अधिकार। आर्टिकल 324 है या 326, एक मिनट अभी देख लेते। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल यहाँ पर 326 है। मैंने जैसा कि बोला कि आर्टिकल 326 होगा, राइट है, ठीक है, गलती से 24 लिखा गया, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए आर्टिकल 330 क्या है। तो आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण है, ठीक है। आगे देखिए आर्टिकल 331 क्या है, तो आर्टिकल 331 के तहत एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन संबंधित है, जो कि राष्ट्रपति सिलेक्ट करते हैं। एमपी जो वहाँ के होते हैं, एमपी मध्य प्रदेश नहीं है, एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। एंग्लो इंडियन के सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसके द्वारा सिलेक्ट होते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा सिलेक्ट होते हैं। आर्टिकल 332 क्या है, तो इसमें विधानसभा में भी आप एंग्लो इंडियन लगा सकते हैं यदि वहाँ का यदि हो तो, ठीक है। 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन संबंधित है, ठीक है, और ये आरक्षण संबंधित है, ये मनोनयन से संबंधित है। और आर्टिकल 335 क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। आर्टिकल 335 के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं यानी कोई भी नौकरी हो, ठीक है, उसमें विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। आर्टिकल 338 क्या है, तो आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 338 क या ए जनजाति से संबंधित है, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है, यानी इसे बोलते हैं NCSC, ठीक है, नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट। क्या बोलते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है। इसके हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं विजय सापला को, ठीक है, जैसा कि मैंने अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो में इसे डाला है, ठीक है। अगला देखिए आर्टिकल 343, संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है, हिंदी में यानी, ठीक है। आर्टिकल 352 क्या है, तो राष्ट्रीय आपात है। आर्टिकल 352 क्या है, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है। और आर्टिकल 355 क्या है, तो आर्टिकल 355 इसमें बाह्य आक्रमण होगा, तो आर्टिकल 355 और अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य का उल्लेख है, ठीक है। आर्टिकल 356 क्या है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। मतलब यदि राज्यपाल को लगे, जैसे मान लीजिए बिहार है, तो बिहार की जो यहाँ की लॉ अंडर ऑर्डर है बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है, कोई मतलब हर दिन हत्या मामला रेप हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो
यदि यहाँ के राज्यपाल फागू चौहान चाहेंगे कि शिकायत कर देंगे अगर राष्ट्रपति से कि यहाँ का जो जो लॉ ऑर्डर है या जो संवैधानिक तंत्र है यहाँ असफल है, यहाँ अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल 360 वित्तीय आपात, ये वित्तीय आपात के बारे में है। यदि मान लीजिए देश में भुखमरी हो जाए या बहुत सारी समस्या आ जाए, मतलब पैसा कम हो जाए देश के पास, उस टाइम वित्तीय आपात, अभी एक भी बार नहीं लगा है ये। ठीक है, 365 क्या है, यदि कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के नियम का पालन नहीं करती है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया सकता है। ये मान लीजिए मैं नीतीश कुमार केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम का पालन नहीं करेगी तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है बिहार में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट है 368 क्या है, भारतीय संविधान में संशोधन के बारे में है कि मतलब आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को वॉच कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है।